हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, काफी दिनों से हमारे पास कमेंट्स और फोन कॉल के द्वारा एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि सर, सेम डिवीजन में डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ म्यूचुअल की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे किया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई करें या ऑनलाइन करें, क्या ये संभव है एक ही डिवीजन में डिपार्टमेंट चेंज का। तो जी हाँ दोस्तों, इसी मुद्दा के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं और बताऊंगा कि क्या सच में एक ही डिवीजन में म्यूचुअल संभव है, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी। तमाम सारे मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो भगा भगा के स्क्रिप्ट करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ मिलता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जितने सारे ट्रांसफर केसेज हैं वो सभी को ऑनलाइन मोड पे कर दिया गया है। HRMS पोर्टल के द्वारा म्यूचुअल की प्रक्रिया या ऑन रिक्वेस्ट हो, किसी प्रकार का डिपार्टमेंट चेंज हो, लीव मैनेजमेंट हो, सारे लोगों का सब कुछ का क्या कर दिया है, वो HRMS के द्वारा कर दिया गया है। तो साथियों, एक डिवीजन में डिपार्टमेंट चेंज के साथ म्यूचुअल लगाने की प्रक्रिया जो है, आपको जैसे आप HRMS पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करते थे, उसमें भी एम्प्लॉय वन होते थे, एम्प्लॉय टू होते थे और सारा प्रोसेस आपका चलता था, उसी प्रकार से प्रोसेस चलेगा जैसा कि आप दूसरे डिवीजन चेंजिंग डिवीजन के लिए करते थे। और साथियों, इसमें आपका फर्क इतना होगा कि उस दूसरे डिवीजन या दूसरे जोन चेंज में आपको थोड़ा समय लगता था, लेकिन एक ही डिवीजन में क्योंकि सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज है तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑफिसर महोदय होंगे, पर्सनल विभाग वाले, वो सभी का एक ही होंगे, कुछ कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो आपकी जो प्रक्रिया है वो फास्ट होगा, जल्द होगा उसकी अपेक्षा। अब फिर भी साथियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फिर भी आप अपने डिवीजन में जाके ये पता करें कि क्या वहां पे जो म्यूचुअल की प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। क्योंकि साथियों, बहुत सारे जो अभी डिवीजन हैं, कुछ कुछ डिवीजन हैं, वो अपने डिवीजन के अंदर जो म्यूचुअल की प्रक्रिया कर रहे हैं वो ऑफलाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आपको पता करना होगा कि वहां पे जाके अपने DC महोदय से, पर्सनल विभाग में, कि जो यहाँ म्यूचुअल की प्रक्रिया होगी उसको फॉर्म का एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरे या ऑफलाइन भरे। लेकिन साथियों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अब सारे ट्रांसफर केसेज ऑनलाइन हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको डिवीजन में ऑनलाइन ही भरने के लिए कहा जाए। लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एक बार जाके फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने DC महोदय से मिले कि क्या प्रक्रिया है, तो आपको जिस तरह से वो बताएंगे उस प्रक्रिया के द्वारा आप म्यूचुअल को लगा सकते हैं। अब साथियों, बहुत सारे डिवीजन में ये भी आपको आएगा कि कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए सेम डिवीजन में म्यूचुअल ट्रांसफर की केसेज को रोक रखा है। बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा सुनने को आता है कि हमारे डिवीजन में, सेम डिवीजन में अदर डिपार्टमेंट से म्यूचुअल पे अभी हाल फिलहाल में बैन कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। तो हो सकता है ऐसा होता होगा, तो इसके बारे में भी आपको अपने डिवीजन से ही संपर्क करना होगा।
ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि आपके डिवीजन में क्या इंटरनल चल रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने डिवीजन में जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप म्यूचुअल लगा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप होम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपने डिवीजन में कांटेक्ट कर ही लेना है, तब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये आपका दो काम है कि डिवीजन में ये पता करना है कि पहला तो कि क्या अदर डिपार्टमेंट के साथ जो म्यूचुअल होती है वो हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है, दूसरा आपको ये पता करना है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जैसा आपको इंट्रैक्शन मिलेगा, जैसा आदेश मिलेगा, आप वही प्रक्रिया को अपनाएं और म्यूचुअल करें और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का अवसर पाएं। तो साथियों अब समय सीमा की बात करते हैं, तो जो उसमें समय सीमा लगता था उससे इसमें कम समय लगने वाला है और जल्द आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके मन में डाउट्स चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे ये वीडियो को देखने के बाद, कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें या कैसे होगा, कितना समय लगेगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे LDC की तैयारी के लिए हिंदी राजभाषा और डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो अब आपको एग्जाम की तैयारी के लिए LDC की तैयारी के लिए दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट पे ही उस वीडियो को भी मैं लेके आया हूं। अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और राजभाषा का PDF आपका फाइल है उसे ओपन करें, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। और मैं आने वाले समय में और भी वीडियो स्टडी के लेके ऊपर लेके आने वाला हूं, तो उसका इंतज़ार करें। मैं जल्द ही कोशिश कर रहा हूं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाया जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।